मैंने कुछ टाइम पहले ओमेगल की एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने बताया था ओमेगल आपके लिए कैसे सुरक्षित नहीं हो सकता। तो वहां पे एक बंदे ने हम पे कमेंट करके पूछा कि आईपी एड्रेस के साथ कोई भी हैकर क्या क्या कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक, आप सबका स्वागत है आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे टेक रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में ही बात की जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है जब भी आप इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पे काम कर रहे होते हो। एंड आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नाम में आपको पता चल रहा है इट्स ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर्वर नीड्स आईपी एड्रेस टू सर्व यूर रिक्वेस्ट। क्यों? वहां पे वो कंडीशन होती है, अगर आप किसी वेबसाइट पे व्यू कर रहे हो तो आप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो कि मुझे ये वेबसाइट देखनी है, तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में वो होती है, ऐसा आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वेबसाइट आपके रीजन में अवेलेबल है तो आपको वो डिस्प्ले कराएगा, बट उस सर्वर को हमारा एड्रेस के बारे में पता चल जाता है क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस से हमने उसको रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये पेज शो करो, मुझे ये पेज देखना है। जब टिकटॉक बैन करा गया था, सबसे पहले आईपी एड्रेस ब्लॉक किया गया था कि लोग एक्सेस नहीं कर पाए टिकटॉक, बट वीपीएन के थ्रू आप आपका आईपी एड्रेस हाइड करके उसको यूज कर सकते थे। बट उसके बाद उन लोगों ने डीएनएस ब्लॉक किया, तो वो एक अलग चीज है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बट उसके बाद आईपी एड्रेस जब ब्लॉक करी गई तो आप आपके इंडिया में कहीं पे भी हो आप टिकटॉक को यूज नहीं कर पा रहे थे। यही काम हो रहा है यहाँ पे आईपी एड्रेस का, मतलब उनको पता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो वो आपका आईपी एड्रेस देख सकते हैं सर्वर में। इंटरनेट पे जो भी चीजें शेयर की जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता है डिवाइस टू डिवाइस या सर्वर टू डिवाइस या सर्वर टू सर्वर, ये सब आईपी एड्रेस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। अब इस टॉपिक के मेन चीज के ऊपर बात करते हैं, व्हाट हैकर्स कैन डू विथ योर आईपी एड्रेस। मैंने अपने ओमेगल वाली वीडियो में ये शो किया था आपको कि आपके आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन पता की जा सकती है, और यही सेम चीज उस वाले बंदे के साथ भी हुई थी जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था। पर आपको याद होगा मैंने बताया था ये चीज कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिनकी मदद से आप आईपी एड्रेस के थ्रू किसी के भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। वो लाइव लोकेशन भी हो सकती है या अभी करंट लोकेशन जहां पे वो है वो लोकेशन भी हो सकती है। क्या हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है आईपी एड्रेस के थ्रू? यस, इट इज पॉसिबल, बट ज्यादा ये चीजें देखने को नहीं मिलती। बट बहुत बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि आईपी एड्रेस के थ्रू लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो एक्सपोज हुई है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है, क्या हैकर्स हमारे डिवाइस को आईपी एड्रेस के थ्रू हैक कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर है मेरा कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज सारे डिवाइस में अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं और वो अलाउ करते हैं सर्विसेज को कि हमारे डिवाइस से वो कनेक्ट हो पाए। यहाँ पे हैकर्स लोग आपके कनेक्शन को ब्रूट फोर्स करके आपके डिवाइस का एक्सेस लेने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बट ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं जो ये कर सकते हैं। अगर वो सक्सीड हो पाते हैं तो आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस उनके पास होगा। जब किसी के पास डिवाइस का पूरा एक्सेस होगा, आपको पता ही है, वो इस सारे डिवाइस का जो भी डेटा होगा, आपके पासवर्ड्स होंगे, आपके बैंक अकाउंट क्रेडेंशियल्स, बैंक अकाउंट, सब कुछ चुरा सकता है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हमारी आईपी एड्रेस चेंज करी जा सकती है? तो हाँ, आपकी आईपी एड्रेस चेंज करी जा सकती है, बट कैसे करी जा सकती है मैं ये चीज आपको नहीं बताने वाला। अगर कोई समझो पर्सन है, आप उसे पर्सनल जानते हो, बट उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है और आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और उसको पता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू वो कुछ फ्रॉड्स भी कर सकता है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यार मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, पीस।